बढ़ते आगे। लॉकडाउन के दौरान दो ट्रकों और एक कंटेनर में सवार होकर बिहार और यूपी जा रहे करीब 200 महिला पुरुष बच्चों को रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। दोनों ट्रकों और कंटेनर को जब्त करके चालक और खलासी पर रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कर दिया गया है और इसमें सवार 200 महिला पुरुष और बच्चों को पटेल चौक के पास पटेल छात्रावास में बने शेल्टर होम में रखा गया है। लेकिन यहाँ के इंतजाम से लोग परेशान हैं, उनके खाने पीने की भी यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं है और ना ही कोरोना को लेकर दिशा निर्देश का पालन हो रहा है। और सेफ्टी हुआ तभी कंपनी बंद कर दिया सर। हम लोग ठेकेदार भी यहाँ छूट कर दिया, कुछ खाने वोने के नहीं दे रहा था तो हम लोग चले आए सर। अभी प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन बिला के बस खाली से भूसा जैसे भर दिया है सर, न खाना दे रहा है न पानी दे रहा है। क्या क्या हुआ है? किसी का जांच भी नहीं हुआ, भूसा के जैसे पकड़ के डाल दिया। कोरोना है या नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो सबको डाल दिया।